देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 70 पे हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, एनिमल्स दैट ले एग्स। अब हम उन जानवरों के बारे में जानेंगे जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो कि एग देते हैं, एग देने वाले जानवरों के, अंडा देने वाले जानवरों के बारे में जानेंगे। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर एनिमल दैट ले एग्स। देखिए स्टूडेंट्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ये वे जानवर हैं जो कि क्या देते हैं, अंडा देते हैं। ओके, तो देखिए आज हम पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। ऑल बर्ड्स ले एग्स, जितने भी पक्षी हैं स्टूडेंट्स वो क्या देते हैं, एग देते हैं। फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, जो फीमेल जस्ट की फीमेल बर्ड्स होती हैं, जो ये मादा पक्षी होते हैं वो अंडा देते हैं अपने नेस्ट में। ईच एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल, हर एक अंडे का जो आउटर बाहरी जो भाग होता है वो शेल जो कोशिका होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। इनसाइड द शेल, उस शेल के अंदर देयर इज अ क्लियर स्टिकी लिक्विड कॉल्ड अ एल्वोलम। देखिए उस जो स्टिकी जो कहते हैं हार्ड जो स्टिकी होता है उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको क्या कहा जाता है, एल्बुमिन कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एग वाइट, उसे एग वाइट भी कहा जाता है। इनसाइड इट देयर इज अ येलो लिक्विड कॉल्ड योक दैट प्रोवाइड्स फूड टू द बेबी ग्रोइंग इनसाइड। देखिए अंडे के अंदर एक येलो पार्ट भी होता है, येलो लिक्विड पार्ट भी होता है जिसे कि क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उसे योक कहा जाता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, जो भी उस एग के अंदर बेबी ग्रोइंग करते हैं उनको वो फूड प्रोवाइड करता है। ओके, दिस बेबी इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, उन बेबी को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म, द पेरेंट बर्ड कीप्स द एग वार्म By sitting on it. After 21 days, the fully grown chick breaks the eggs and comes out. देखिए पूरे 21 के बाद जो कहते हैं, पूरे 21 days complete करने के बाद जो chick है वो egg में से क्या कर देते हैं, टूट कर बाहर निकल जाते हैं, comes out. This is called hatching. जब वो टूट कर बाहर निकलते हैं उसमें से egg में से, तो वो क्या कहलाता है, hatching. देखिए सबसे पहले वो egg के अंदर इतना छोटा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर हल्का सा वो क्या कहती है, अंडे को हैच करता है, फूटता है, ठीक है, देन फिर वो बाहर आता है। ओके स्टूडेंट्स, अ चिक हैचिंग आउट ऑफ एन एग। देखिए यहाँ पर जो एग वो चिक है वो एग से किस प्रकार से, किस तरीके से जो है बाहर कम आउट, बाहर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड। जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं, उनके पास कोई फेदर नहीं होता है और उनकी जो आईज होती है स्टूडेंट, जब वो बर्थ करते हैं तो जो उनकी आईज होती है वो क्लोज्ड होती है। द पेरेंट्स बर्ड्स फीड देम एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई। जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं, जो इनके पेरेंट्स होते हैं, जो इनको बर्थ कर देते हैं, वो उनको सिखाते हैं कि उनको फ्लाई कैसे करना है एंड फीड कैसे फीड करवाते हैं। द लुक आफ्टर देम टिल दे आर स्ट्रांग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स।